Hello everyone, my name is Dr. Jayamadan, and as you know, I'm an astrologer. I do vastu. I also look at hands, faces, signatures of people. But today I thought about, let me talk about a beautiful concept called Kalpvriksh. Kalpvriksh ke baare mein bahut saari jagahon pe, puranon mein, shastron mein mentioned hai. Kalpvriksh ka matlab wo ped jiske niche aap baithein aur aap jo imagine karenge wo ho jayega. Aisa kaha jata hai ki aisa ped heaven mein hai. Well, it's a beautiful concept, but what is the metaphor? इस कहानी का सार क्या है? हमें क्या समझने की जरूरत है? और इसके साथ साथ मैं आपके एक मिथ पर भी बात करूंगी. You know, कल्प वृक्ष यानी कि इमेजिनेशन करने के लिए जो पेड़ बना हो. इमेजिनेशन एक वो टूल है जो सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के पास है, जो हमें एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करता है. कॉन्शियसनेस बट द बेसिक पार्ट व्हाट वी कैन सी इज कॉल्ड इमेजिनेशन. जानवर को भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है. उनको भी टेरिटरी चाहिए, हमको भी टेरिटरी चाहिए. उनको भी अपने एरिया के लिए लड़ना है, हमको भी अपने एरिया के लिए लड़ना है. बट व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स इज दैट वी हैव पावर ऑफ इमेजिनेशन. आपको ये कोइंसिडेंस नहीं लगता कि सनातन धर्म में कल्पवृक्ष की बात हुई, बुद्धा धर्म में बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा, वो एनलाइटन हुए पेड़ के नीचे. आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे कहीं ना कहीं चीज पेड़ों को सिंबलाइज करते हैं. और फिर वास्तु में इतने सारे सवाल आते हैं इस तरीके के, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे पीपल ट्री होगा तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे. देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी को देखें और समझें कि पेड़ों को क्यों बोला गया, क्यों कहा गया कि पीपल पे जल दो, मतलब क्या होगा अगर आप पीपल पे जल देंगे, क्या होगा अगर आप बड़ वृक्ष के ऊपर जल देंगे, मतलब व्हाट इज द पॉइंट. पेड़ों को क्यों जोड़ा गया इंसान के साथ एज अ पॉइंट ऑफ रेमेडी. देखिए, जब भी हम किसी चीज को रिचुअलिस्टिक अप्रोच दे देते हैं, उसमें फेथ जोड़ देते हैं, तो इंसान उसको और डेडिकेटेडली करता है ना. किसी चीज को आप अगर फेथ के साथ जोड़ देंगे तो आप बिल्कुल श्रद्धा से उसको करेंगे. पेड़ ऐसे हैं, खासतौर पे पीपल ट्री की अगर मैं बात करूं, बैनियन ट्री की अगर मैं बात करूं, जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं. इसीलिए कहा गया कि इन पर देवी देवताओं का वास है, ताकि लोग इसको काटने का ना सोचे. अगर आप काट ही देंगे ऐसे पेड़ जो इतने सालों साल जीते हैं, इतना ग्रो करते हैं, इतने ब्यूटिफुल होते हैं, अगर हम उनको काट देंगे, जो हमें हेल्थ इश्यूज में भी मदद करते हैं, तो फिर हमारा इको बैलेंस कैसे होगा. हमने काट काट के पेड़ों को देख ही रहे हैं क्या हाल कर दिया है. तो इसलिए पेड़ों को रिलीजन के साथ जोड़ा गया, उसको श्रद्धा भाव से जोड़ा गया कि रोज पानी दे, ताकि आपके ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन मिले टू एक्ट अकॉर्डिंगली. आपके ब्रेन में ज्यादा शार्पनेस आए, बिकॉज योर ब्रेन इज बेसिकली सो मच ऑफ ऑक्सीजन, 79% ऑफ ऑक्सीजन एंड 21% ऑफ ग्लूकोज. तो इसलिए इन चीजों को डाला गया आपके साथ, श्रद्धा भाव के साथ डाला गया. बहुत सारे लोग इस तरह का मिथ में रहते हैं कि पीपल का पेड़ है प्रॉपर्टी में तो नहीं लेना चाहिए. देखिए, पीपल के पेड़ की एक इश्यू है कि वो जड़ें बहुत दूर दूर तक अंदर फैला लेता है, उसकी रूट्स फैल जाती हैं. तो पहले के ज़माने में कच्चे मकान होते थे ना, कच्चे मकान थे, तो जब रूट्स अंदर गहरी जाती थी तो मकान जरा सा अर्थक्वेक आया, जरा सा आंधी तूफान आया, नींव कच्ची होती थी, टूट जाता था. आज के टाइम में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, कंक्रीट मकान है. अगर आप ऐसे आप प्लॉट देख रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पीपल ट्री है और उसके साथ में आप घर बना रहे हैं, और ट्री बहुत पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट्स जितनी गहरी होनी थी ऑलमोस्ट हो गई होंगी. अगर आप घर में रहते हैं और अचानक छतों पे पीपल ट्री आ जाता है, कई बार होता है दीवारों के कोनों से निकल कर आ जाता है, आसपास से माली को बुलवाइए, पेड़ को निकलवाइए, पास में किसी गार्डन में लगवा दीजिए, सो दैट यू स्प्रेड ग्रीनरी, यू स्प्रेड ऑक्सीजन. तो ये अच्छा काम जरूर कीजिए. रही बात कल्प वृक्ष की, इसका वास्तु में ब्यूटिफुली रेमेडीज का आप पाठ कर सकते हैं. अ चाइल्ड नीड्स स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, अ वुमन इन द हाउस नीड्स स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, अ वर्किंग मैन ऑल्सो नीड्स स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. कल्प वृक्ष का पेड़ अपने घर के अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं और वहाँ पे अपनी छोटी छोटी विशेज को लिख देते हैं, या आप वहाँ बैठ कर थोड़ी देर ध्यान करते हैं और इमेजिन करते हैं सोल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स, आपकी माइंड की मैनिफेस्टेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. अच्छा रहेगा कि आप एक छोटा सा ब्यूटिफुल सा प्लांट, जैसे कोई बैम्बू का प्लांट या इंडोर पाम्स आप लगा सकते हैं टू हैव द रियल इफेक्ट एज वेल. इस तरीके पे करने पर आप अपने घर में सिंबल्स के जरिए अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं दैट आई एम रेडी फॉर द चेंज, एंड चेंज विल हैपन वंस यू आर रेडी. आई होप इट गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस एज वेल.